हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी गुड। दिस इज इंजीनियर अभिनंदन। हाँ दोस्तों, मैंने पहली बार प्रोफेसर ना यूज कर इंजीनियर यूज किया। व्हाई? बिकॉज लेक्चररशिप मेरा प्रोफेशन है। बट हु एम आई? आई एम एन इंजीनियर एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंजीनियर। हाँ दोस्तों, आज का लेक्चर इसी पर बेस्ड है। आज मैं आपको बताऊंगा इंजीनियरिंग क्या होती है, इंजीनियर्स कौन होते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं क्यों लेकर के आया हूं? बिकॉज जून जुलाई का मंथ है, कुछ बच्चों का एडमिशन प्रोसेस है और कुछ बच्चे पास आउट्स होते हैं और दोनों की इंटरकनेक्टिविटी होती है। बिकॉज जो पास आउट्स हो रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उन बच्चों के साथ में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेते हैं या डिसीजन ले रहे हैं कि हमें किस डिग्री को करना है, किस फील्ड में जाना है। गाइस, मेरे 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस को आज मैं इन दोनों को फोकस कर बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली इंजीनियरिंग है क्या, इंजीनियर्स कौन होते हैं। गाइस, बड़ा ही इरिटेशन होता है जब कोई ये बोल दे कि इंजीनियरिंग में है क्या, इंजीनियर्स कितने हो गए हैं, इंजीनियरिंग कितने लोग करते हैं, तुम्हारी तो इनिशियल जॉब 8 से 10 हजार रुपए लगती है। ये आपको हर वो अनसक्सेसफुल पर्सन बोलेगा जो पान की गुंडी पर भी बैठा हो सकता है, जो चाट की दुकान भी लगाया हुआ हो सकता है, जो कोई सब्जी का ठेला लगाया भी हो सकता है। उस टाइम पे मैं इरिटेट होता हूं, मैं उनको बड़ा ही कॉन्फिडेंटली ये कहता हूं कि गाइस, पुलिस की, लॉयर की या डॉक्टर की जरूरत आपको पूरी लाइफ में पड़े या ना पड़े, एक इंजीनियर की जरूरत आपको लाइफ में हर जगह पड़ती है, बार बार पड़ती है, हर बार पड़ती है। दोस्तों, इंजीनियर्स ही है जो इस ट्रांजिशन पीरियड में अपना सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है इकोनॉमी को नीचे से ऊपर ले जाने का या डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड बनाने का। आपकी हर छोटी आवश्यकताओं में इंजीनियर मौजूद है, इंजीनियरिंग मौजूद है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं गाइस, क्योंकि हम 4 साल जब इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे होते हैं तब हम उन 40 साल की ज्योमेट्री प्रिपेयर कर रहे होते हैं। बिकॉज हम 4 साल में मैनेजमेंट स्किल्स, लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स को गेन करते हैं, जिंदगी को कैसे जिया जाए। दूसरे डिग्रीज में ऐसा नहीं होता। ये केवल डिग्री नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स है। अब ये क्या होती है? तो गाइज, 8x8 के रूम में 3 से 4 लोगों का रहकर एडजस्ट करना 4 साल तक, इस तरह की एडजस्टमेंट क्वालिटी आपको इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है। मैं इसका बोरियत खाना 4 साल तक अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए, इस तरह का एडॉप्टेबिलिटी आपको इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है। गाइस, आपने साल भर भले न पढ़ा हो बट लास्ट नाइट फाइट करके, लास्ट नाइट स्टडी करके, उस तरह का टाइम मैनेजमेंट परफॉर्म करके आप पेपर को फोड़ देते हो, पेपर निकाल देते हो, इस तरह का टाइम मैनेजमेंट आपको इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है। दोस्तों, टीनएजर्स में ही कम रुपयों में महीने भर तक का खर्चा जब आप चलाते हो, साथ में अपने एंजॉयमेंट भी करते हो, इस तरह का जो मनी मैनेजमेंट है वो आपको इंजीनियरिंग से मिलता है। 6 लड़कियों से रिफ्यूज होने के बाद में 7वीं लड़की के पास में जाकर प्रपोज करना, इस तरह का जो कॉन्फिडेंस है वो आपको इंजीनियरिंग देता है। गाइज, 11 इंटरव्यू में फेल होने के बाद में 12वें इंटरव्यू में उसी कॉन्फिडेंस, उसी सेल्फ मोटिवेशन से जाना और ऐसा एटीट्यूड कि तेरा भाई आज फोड़ देगा, इस तरह का एटीट्यूड आपको इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है। गाइज, जब आप बात करते हो लेट नाइट स्टडी की, तो अगर मैं दूसरे डिग्री पर्सन बीए, बीबीए, बीकॉम से कंपैरिजन करूं और मैं उनको बोलूं कि आप 2 घंटा पढ़ सकते हो, 3 घंटा पढ़ सकते हो, दोस्तों बोल देंगे हाँ हम पढ़ सकते हैं, बट नहीं, वो 4 घंटा नहीं पढ़ सकते। गाइज, एक इंजीनियर को 45 सब्जेक्ट निकालने होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में 6 यूनिट होती हैं, 6 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में होता है, उसको मिनिमम 5 से 6 घंटा पढ़ना ही पड़ता है। और मान लीजिए वो 5 से 6 घंटे नहीं पढ़ रहा, उसमें रीडिंग स्किल्स नहीं आ रही है, पर दोस्तों जब वो लास्ट नाइट स्टडी करता है तो उसका माइंड दूसरे डिग्री पर्सन के कंपेरिजन में बहुत ही शार्प होता है, वो एग्जाम निकाल देता है। अब इसको प्रैक्टिकल सिचुएशन से डील करो। मैं लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स क्यों बोला, बिकॉज आपके सामने अगर कोई ऐसी चीजें आ गई जिसमें आपको क्विक डिसीजन लेना है, आपको क्विक डिसीजन लेना है, आपको किसी ने इंपैक्ट कर दिया, टॉन्ट कर दिया कि यार तू तो कुछ नहीं कर सकता, उस टाइम पे जो आपका दिमाग चलेगा, जो आप में जो रीडिंग स्किल्स होंगी कि यार जो तू बोले वो कर लूंगा,
हर चीज के लिए पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई की जो सेटिंग स्किल्स हैं, 6 घंटे बैठना, 7 घंटे बैठना, ये एक इंजीनियर्स के बाद भरपूर होती है गाइस। अगर वो चाहे ना तो बैठ करके पढ़ करके फोड़ सकता है कोई एग्जाम। दोस्तों रीडिंग स्किल से रिलेटेड अगर बात करूं तो मैं हॉग बात नहीं करूंगा, स्टैटिस्टिक्स हैं। आप यूपीएससी 2019 एग्जाम की बात करें, 50% से ऊपर बच्चे जो थे वो बैठने वाले इंजीनियर्स थे गाइस। 20 टॉप 20 यूपीएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट में से 19 स्टूडेंट इंजीनियरिंग के थे, एक स्टूडेंट डॉक्टर था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कि ये एग्जाम्स बहुत बड़ी है, तो आप दोस्तों स्टैटिस्टिक्स उठा के देखो, क्लैरिकल से बैंक पीओ तक, प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट चाहे एसएससी जेई चाहे एसएससी के टेक्निकल नॉन टेक्निकल डीआरडीओ सीईटी जितनी भी एग्जाम्स होती हैं गाइस, उसको इंजीनियर्स ही टारगेट करते हैं। दोस्तों हम असाइनमेंट पे जाते हैं, असाइनमेंट 100 पन्ने 200 पन्ने 300 पन्ने हम लिख डालते हैं बिल्कुल, तो हमें एक राइटिंग स्किल्स डेवलप होती है। आप अगर नॉन टेक्निकल एग्जाम्स की बात करो, क्वेश्चंस की बात करो, रीजनिंग की, एप्टीट्यूड की, बैंकिंग के एग्जाम की बात करो, तो उसमें आपको फास्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। और गाइस इंजीनियर से बेहतर फास्ट क्वेश्चन करना किसी दूसरे डिग्री पर्सन की बात नहीं है, क्योंकि जल्दी करना, शॉर्ट ट्रिक में करना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ये हमारी इंजीनियरिंग की प्रॉपर्टी है, हमें इनहेरेंट होती है। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना इंजीनियरिंग में ही सीख जाते हैं और हमको पता नहीं होता कि वो हमको कब काम में आएगी। तो गाइज ये जो स्किल्स हैं आपकी, सिटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, वो इंजीनियरिंग में आपको इनहेरेंट आ जाती हैं। आपको लगता है कि हमने क्या करा, आपने बहुत कुछ करा, बट आप उसका यूटिलाइज करो। दोस्तों इंजीनियरिंग बेकार नहीं है, इंजीनियरिंग की डिग्री बेकार नहीं है, अगर पर्सन उस इंजीनियरिंग का यूटिलाइज नहीं कर पाया तो उसमें खोट है। आप इंजीनियरिंग को गाली नहीं दे सकते, आप उस पर्सन को गाली दो। तो आपका यह कहना कि इंजीनियरिंग में क्या रखा है, इंजीनियरिंग बहुत कुछ रखा है, बस पर्सन होना चाहिए उसको क्लियर करने वाला, उसमें पोटेंशियल होना चाहिए। तो इंजीनियर अगर चाहे तो वो डॉक्टर, लॉयर या पुलिस पर्सन बन सकता है, बट पुलिसमैन या लॉयर या डॉक्टर इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। दोस्तों एक इंजीनियर अपने आप में सक्सेसफुल स्पोर्ट पर्सन भी है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है, सक्सेसफुल एक्टर भी है और सक्सेसफुल साइंटिस्ट भी है। जो चाहे वो इंजीनियर इंजीनियरिंग के बाद कर सकता है। व्हाई? बिकॉज इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद में आपके पास में बहुत सारे रास्ते होते हैं। दोस्तों अभी बताया 45 सब्जेक्ट, तो आपके पास में कितने सारे रास्ते हैं जिसमें चाहे आप अपनी लाइफ बना सकते हैं, जो चाहे आप वे चूज कर सकते हैं, बट आफ्टर डूइंग द अदर डिग्रीज आपके पास में एक ही रास्ता होता है कि मुझे करना है तो केवल यही करना पड़ेगा, चाहे मेरी इच्छा हो या ना हो। कई इसमें बच्चों को एक और डाउट होता है कि हमें अच्छे कॉलेज से अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं जैसे IITs, NITs, तो दोस्तों हमको हमको उस तरह की जॉब मिलेगी। तो गाइस बहुत छोटी सी चीज है, जब कंपटीशन थी गूगल के सीईओ बनने की, तो सुंदर पिचाई जो कि IIT खड़गपुर के थे, उनके कंपटीशन में जो पर्सन थे वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पोटेंशियल डिपेंड करता है, चार दीवारें डिपेंड नहीं करती। IIT का कंपटीशन IITian से है, NITian का कंपटीशन ऐसा नहीं है। आज मैं MIT में हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट, हमारे कॉलेज के बच्चे दुनिया में हर जगह पर हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। आप चाहे तो गूगल पर देख सकते हैं, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जितनी भी बातें आज मैंने आपसे कही, ये अपने आप में केवल ये बताने के लिए थी कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है जहां पे वर्ल्ड इकोनॉमी नीचे से ऊपर जाएगी या डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड होगी, उसमें आप कहां खड़े रहना चाहते हैं। आप बच्चे जो ट्वेल्थ करने के बाद में कुछ कोर्सेज का प्लान कर रहे हैं, कुछ डिग्रीज का प्लान कर रहे हैं, वो कहां खड़े रहना चाहते हैं? वो क्या उस नॉन टेक्निकल फील्ड में खड़े रहना चाहते हैं जहां में केवल एक ही रास्ता हो, या आप उस जगह पर खड़े रहना चाहते हैं जहां से कई सारे रास्ते जाते हो, जहां आपकी इच्छा हो आप वहां जा सके। दोस्तों ये डिसाइड आपको करना है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैंने कुछ चीजें शेयर करनी थी, मैंने वो शेयर कर दी।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो वैल्यू लगा हो, आप इंजीनियर हैं, करंट इंजीनियर हैं, ओल्ड इंजीनियर हैं, प्लीज ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ट्वेल्थ जो पास आउट हो चुके बच्चे, वो डिसाइड करना चाह रहे हैं कि उनको कौन सा कोर्स में जाना है, कौन सी डिग्री उनको करनी है, कंफ्यूज है, तो ये वीडियो शायद उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन से दूर करेगा, उनको क्लैरिफाई करेगा एग्जैक्टली उनको क्या करना है। दोस्तों, पेरेंट्स तक भी शेयर करिए, पेरेंट्स टू पेरेंट्स शेयर करिए ताकि बच्चे डिसाइड कर पाए एग्जैक्टली उन्हें क्या करना चाहिए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।